कहीं बहन की राखी भाई की कलाई ढूंढती है, कहीं भाई की आंखें राखी बांधने वाले का हाथ तलाशते हैं। तो कुछ इस तरह बदला है कि रक्षाबंधन पर बहुत से भाई बहन अकेले अकेले हैं। घर छोटे छोटे हैं, परिवार भी छोटे हैं। जीवन की भाग दौड़ सता में बच्चे घर में अकेले हैं। तो वक्त कैसे ही करवट ले, वक्त के साथ चलना होगा। त्योहारों को मनाने का तरीका भी बदलना होगा। वैसे ही जैसे स्वतंत्रता दिवस का घरों में होने वाला कृष्ण जन्मोत्सव भी गली गली उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है, रक्षाबंधन बंधन है स्नेह का, विश्वास का, रक्षा का दिया हुआ वचन है। जो श्री कृष्ण ने द्रौपदी उनका कर्ज लौटाया था, वही रानी कर्णवती ने रक्षा सूत्र भेजकर हिमायू से रक्षा का आश्वासन पाया था। हर बच्चों को इन पावन त्योहारों के पीछे व्यापक अर्थ को भी समझना होगा। भाइयों की कलाइयों पर चमकते इन रेशमी धागों में से कुछ धागे उन पेड़ों के नाम भी करना होगा जो हमें एक स्वस्थ जीवन देते हैं। धागा उन सिपाहियों के नाम भी बांधना होगा, सीमा सुरक्षा में खड़े कर्तव्य से नहीं हटते हैं, हर त्योहारों पर घर आने को तरसते हैं। हम सभी को इन पर्वों के महत्व को जानना होगा। इन पर्वों को उत्साह और उल्लास के साथ, धर्म और जागरूकता के साथ अपनाना होगा।